फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इस टॉपिक में हम ऐसे ही रिएजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि एसिड्स एंड बेसिस, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। और टॉपिक के एंड में हम यह पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब रिएक्शन होती है तो बॉन्ड्स किस तरह से ब्रेक होते हैं और रिएक्शन के दौरान कौन कौन से इंटरमीडिएट्स बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम एसिड्स एंड बेसिस से। स्टूडेंट्स, हमने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में यह पढ़ रखा है कि एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन यानी H+ आयन डोनेट करते हैं। इनको हम इस रिएक्शन की हेल्प से दिखा सकते हैं, जिसमें कोई एसिड HA H+ आयन लूज करके A- आयन बनाता है। यहाँ पर बनने वाला A- आयन एसिड का कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड्स के कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, जिन्हें हम RCOOH से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिनॉल, जो कि C6H5OH होता है। ये ऑर्गेनिक एसिड्स इनऑर्गेनिक एसिड्स लाइक HCl, H2SO4, HNO3 के कंपेयर में वीकर एसिड्स होते हैं, और इसीलिए हम इनके डिसोसिएशन को इक्विलिब्रियम से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंस हम इनके लिए इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं, तो इनके लिए एक डिसोसिएशन कांस्टेंट भी होता है, जिसे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड या फिर KA कहते हैं। इसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, KA इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। और अगर हमें वीक एसिड की स्ट्रेंथ पता करनी होती है तो हम उसके लिए KA की वैल्यूज को देखते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ KA के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जिस एसिड के लिए KA की वैल्यूज ज़्यादा होगी वह उतना ज़्यादा एसिडिक होगा और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन और कॉन्जुगेट बेस के बीच बने बॉन्ड के स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करता है। यह बॉन्ड जितना वीकर होगा उतने आसानी से H+ आयन बनेंगे और एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा होगी। चलिए इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। आपको ये तीन कंपाउंड्स गिवन हैं और इन तीनों कंपाउंड्स के लिए कॉन्जुगेट बेस को ड्रॉ करना है, तो थोड़ा समय लेकर आप इनके कॉन्जुगेट बेस को ड्रॉ करने की कोशिश करिए। आई होप आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं कि इनके कॉन्जुगेट बेस कैसे बनते हैं। कोई भी एसिड H+ आयन लूज करके कॉन्जुगेट बेस बनाता है, तो अगर हम कंपाउंड A यानी कि मिथेनॉल के लिए कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो वह होगा CH3O-। वहीं अगर हम एसिटिक एसिड से H+ आयन निकालकर कॉन्जुगेट बेस बनाएं तो वह हमें कुछ यह मिलेगा, जो कि एसीटेट आयन होगा। वहीं अगर हम बेंजोइक एसिड के लिए कॉन्जुगेट बेस बनाएं तो यहाँ पर भी हम एसिड से H+ आयन रिमूव करेंगे और बेंजोएट आयन एज ए कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएजेंट की, जो होते हैं बेसेस। हमने इक्विलिब्रियम में यह पढ़ रखा है कि बेसेस प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। तो अगर हम ऑर्गेनिक बेस की बात करें तो वो अपने लोन पेयर्स प्रोटॉन को डोनेट करके कुछ इस तरह से कॉन्जुगेट एसिड बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम अमीन्स और एनिलीन्स को ले सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर होता है, जिसे डोनेट करके ये बेस की तरह एक्ट करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स की तरह ही ऑर्गेनिक बेस भी इनऑर्गेनिक बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के कंपेयर में वीकर बेस होते हैं, और इनके लिए भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं, जिनको हम
डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस या फिर केबी कहते हैं, जो कि इक्वल होगा कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन के। और बेस की बेसिक स्ट्रेंथ भी केबी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि केबी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी बेस उतना ज़्यादा बेसिक होगा। यदि हम कॉन्जुगेट एसिड के टर्म्स में बेस की बेसिक स्ट्रेंथ पता करें तो वह कॉन्जुगेट एसिड के स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप ऊपर वाले इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो कॉन्जुगेट एसिड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा बेस उतने आसानी से H+ आयन एक्सेप्ट कर पाएगा, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। साथ ही साथ बेसिक स्ट्रेंथ डोनर एटम पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वह उतने आसानी से प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएगा और बेस की तरह एक्ट कर पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ डोनर एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। चलिए इससे रिलेटेड भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, आयोडाइड आयन और ब्रोमाइड आयन गिवन हैं, और इन्हें हमें इनके बेसिक नेचर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो थोड़ा समय लेकर आप इनको अरेंज करने की कोशिश करिए। आई होप आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो अगर हम फ्लोराइड आयन के बेसिक नेचर की बात करें तो फ्लोराइड आयन H+ आयन एक्सेप्ट करके HF एज ए कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। वहीं क्लोराइड आयन H+ आयन एक्सेप्ट करके HCl एसिड को एज ए कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म करेगा। वहीं आयोडाइड आयन H+ आयन गेन करके HI बनाएगा, जो कि I- आयन का कॉन्जुगेट एसिड होगा। वहीं ब्रोमाइड आयन H+ आयन गेन करके HBr एज ए कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म करेगा। और अगर आप इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें तो हमें यह मिलेगा कि कॉन्जुगेट एसिड जितना स्ट्रॉन्गर होगा उसके करिस्पॉन्डिंग बेस उतना वीकर होगा। तो अगर हम HCl, HF, HI और HBr को उनके एसिडिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो वह हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, जिसमें HI सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा और HF सबसे कम एसिडिक होगा। तो इनके करिस्पॉन्डिंग बेस का ऑर्डर एसिड के ऑर्डर का उल्टा होगा, जो कि हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, जिसमें F- आयन सबसे स्ट्रॉन्गर बेस होगा क्योंकि इसके करिस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड सबसे वीकर है। वहीं I- आयन सबसे वीकर बेस होगा क्योंकि इसके करिस्पॉन्डिंग बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड HI सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे।